इतने बड़े ब्रेड के साथ इतनी ज्यादा सॉस है? दोबारा कब आओगे? फाइनली हमने ये वाला टायर लगाया, थोड़ा छोटा है लेकिन कंफर्ट आएगा। कि जब आप आए थे तभी हमारी H2 आई थी, अब आप जा रहे हो हमारी H2 जा रही है साथ। तो फाइनली हमने क्या प्लान किया है ना, अपने अलॉय चेंज करा रहे हैं। जो पिछले 7 दिन से कह रहे थे आज लगा देंगे, आज लगा देंगे। अरे भाई क्या टाइम हो गया? 11 बज गए। और कल क्या कहा था रात को, कितने बजे लगा दूंगा दरवाजा? सुबह 9 बजे। 9 बजे अभी बन गया? नहीं बना, थोड़ा सा काम बचा। सुबह सुबह आरिफ भाई की शक्ल देख लेते हो ना, दिन बढ़िया जाता है। ये देखो नीचे आवाज आ रही है ना, अभी भी काम ही चल रहा है। टाइम सुबह के 11:20 और पापा यहाँ पर हो रहे रेडी। और मैं क्या सोच रहा हूँ, जब तक पापा आप रेडी हो रहे हो ना, मैं अपनी एक्सरसाइज खत्म कर लेता हूँ, है ना। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आज का सीन क्या है ना, सबसे पहले मेरे को एक्सरसाइज करनी है, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा, आधा पौना घंटा उसमें लगेगा। उसके बाद हम जा रहे पापा को छोड़ने। मैं तो मना कर रहा हूँ मत जाओ, लेकिन भाई उन्होंने आगे अपने कस्टमर को वादा कर दिया कि संडे को शॉप खुलेगी। तो कल संडे है, आज जाएंगे, कल सुबह से शॉप खोल लेंगे। और आज हमारा स्टील का दरवाजा लगना था जो कि कैंसिल हो गया। सबसे मेन चीज हमारी जो H2 है वो जा रही है आज ठीक होने के लिए। तो वो नीचे क्रेन आने वाली है और 10-15 मिनट में क्रेन आ जाएगी, उस पर बाइक चढ़ाएंगे, उसके साथ साथ जाएंगे जहां पर भी जा रही है, बाइक को वहां ड्रॉप करेंगे, पापा को घर पे ड्रॉप करेंगे। उसके बाद हमारी जो स्विफ्ट है उसका टायर खराब है, वो भी एक बार चेक करवाना, अगर चेंज कराने वाले होंगे चेंज कराएंगे। मतलब आज बहुत सारे काम है, दिन में निकलेंगे, हो सकता है रात को ही घर वापसी आए। लेकिन सारे काम को पीछे रख के सबसे पहले करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी रिकवरी पूरे जोरों शोरों पर है। अभी वहां से यहां तक हम आ ही चुके हैं हंसते खेलते हुए, तो आगे भी बढ़ ही जाएंगे। यार अपनी राइडिंग छोड़ के ना, एक चीज को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं, वो है टेस्टी खाना। एक तरफ मम्मी कॉल कर करके परेशान करती रहती है, खाना खाया नहीं खाया। हाँ जी मम्मा, अरे खाना खा रहा हूँ टाइम से, आप टेंशन ना लिया करो यार। और दूसरी तरफ डॉक्टर ने डेली प्रोटीन इनटेक के रिमाइंडर लगा रखे हैं। यार चोट बेशक पैरों पे लगी है, लेकिन भुगतना पेट और जुबान को पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ का इंसाफ है ये। इंसाफ नहीं मिला। लेकिन तुम्हारे भाई के पास इसका भी सोल्यूशन है, मैक्स प्रोटीन टेस्टीएस्ट प्लांट प्रोटीन पाउडर। तो ये है तो आपकी गुड विशेस के अलावा जो मुझे रिकवरी करने में मैक्स एफर्ट डालने में हेल्प कर रहा है। टोटल इसके ना 7 फ्लेवर्स हैं, मैंगो वेनिला और बहुत सारे, लेकिन तुम्हारे भाई का स्विस चॉकलेट फेवरेट है, चॉकलेट मतलब अपना फेवरेट। तो अभी तो मेरे डॉक्टर भी मुझे कुछ नहीं कहते, बिकॉज इसके थ्रू 22 ग्राम प्रोटीन मुझे मिल ही जाता है। और मम्मी भी एकदम खुश है, बिकॉज ये कम्प्लीटली नेचुरल है। अब वीगन से ज्यादा नेचुरल क्या ही होगा। तो सारी की सारी पार्टी एकदम खुश। आप लोग रुको यार, तू इधर आ, यहाँ बैठ एक बारी, एक गुट पी के बता टेस्ट कैसा है। मानोगे ये कम्प्लीटली नेचुरल है, रागी और सत्तू जैसी चीजें भी है इसमें। सही में कैसा है ये? तो मार्केट में नहीं मिलता उससे अच्छा टेस्ट है। अरे मान गया ना तेरे भाई को, तेरे भाई का जो टेस्ट है ना बाइक्स और प्रोटीन में सब में बढ़िया है, एकदम बढ़िया। भाई ये जिम वाले बंदे ही पी सकते हैं या फिर कोई भी बंदा पी सकता है? अरे नहीं भाई, इसको कोई भी पी सकते हैं, तू मैं यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी पी सकती है। बड़े ब्रेड के साथ इतनी ज्यादा सॉस है, दिखाने के लिए, दिखाने के लिए इसको। कब के लिए बच जाएगी? अगले स्लाइस के लिए भी बच जाएगी। हाँ। बेचारी सॉस को भी शर्म आ रही होगी। उनको पता है, उनको पता है कि मैंने नहीं खाना है इसलिए कम लिया है। ये हमारे क्रेन वाले भैया, भैया कितनी देर होगी वेट करते हुए? फिर भी 1-1.5 घंटा। मैं कसम से कह रहा हूँ, ये जो साथ में बैठा ना, हाँ इसको 2 गाली देनी है, दे लो इसको। हमने बोला था 10:30 बजे आ जाइयो, ये देखो कब आ रहा है। फिर भी बोल रहे, कोई बात नहीं भैया, शरीफ है ना हमारे, तेरी तरह थोड़ी है। मैंने तेरी गाड़ी चमका के ले गया। अच्छा धुलवा दी? ओके ओके ओके, चलो बढ़िया। फिर तो क्या अपना मुंह, अरे एक बंदा बोलो ना, सारी बोलोगे आवाज किसकी रिकॉर्ड होगी। वो कह रहे खुद नहाया हो या ना नहाया हो, लेकिन गाड़ी चमका दी है। तो फाइनली हम घर से निकल चुके हैं, पापा का बैग वगैरह नीचे चला गया है। अब दोबारा कब आओगे? जब फिर जाऊंगा। दोबारा से काम से छुट्टी लेनी होगी। चलो तो पहले भैया कह रहे थे मैं गाड़ी अपनी अंदर ही ले आता हूँ, लेकिन अभी इसकी पन्नी वन्नी उतार दिया ना, चल इसका आराम से घूम जाता है, तो इसी को बाहर ले जाते हैं। और सुपर बाइक का इतना ही होता है, जो भी सुपर बाइक होगी ना, जैसे हमारी ये है बड़ी वाली, ये एडवेंचर बाइक है, पूरी लंबा कट मारना पड़ता है।
टोटल हमने 4 रेंच बेल्ट बांधी है, 2 आगे और 2 पीछे, इससे बाइक ना कहीं पर भी नहीं जाएगी, बहुत मजबूत होती है ना। भाई बाइक नहीं हिल रही, तू हिल रहा भाई। नहीं नहीं सही है, मैं चेक कर रहा हूँ। सामान ज्यादा हो गया, पता नहीं डिक्की में आएगा नहीं आएगा। एक बार लोकेशन लोकेशन अच्छा पापा, आपने एक चीज नोटिस करी कि जब आप आए थे तभी हमारी H2 आई थी, अब आप जा रहे हो हमारी H2 जा रही है साथ साथ। मतलब वो आए एक हफ्ते के लिए, वो आए थे और एक हफ्ते के लिए H2 हमारे पास थी, जैसे वो निकल रहे हैं वो भी निकल रही है। मेरे को लग रहा है आप अगली बार जब आओगे ना तो H2 आपके साथ ही ठीक होके आ रही होगी। फिर तो मैं उसको बोलते एक हफ्ते में ठीक कर दे भाई। भाई यहाँ बोर्ड लगा है गाड़ी चलेगी 60 की स्पीड से और ट्रक चलेगा 40 की स्पीड से, लेकिन चल क्यों नहीं रहे भाई हम। चला भाई 60 नहीं 40 तो चला, 20 तो चला, किस पे चलाऊं जगह तो बढ़ थोड़ा सा और कुछ तो बढ़, ये बढ़ा। यहाँ हम खड़े हैं जाम में और इन्हें देखो भाई, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच देख रहे हैं। क्या स्कोर हो गया? 9-3 न्यूजीलैंड। मैच तो खत्म हो गया फिर, अब क्यों देख रहे हो? 9-3 आउट है। मैच को इनका इतना तगड़ा कीड़ा है ना भाई कि मतलब कहीं बैठे हो मैच देखना ही देखना, अगर मोबाइल पे ना चल रहा होता ना यही गाड़ी रुकवा के किसी दुकान पे बैठ जाते पूरा मैच। रहने दो यार, मैंने तो जब देखा है ना, अगर मैं मनाली में भी ना ये शॉप पे बैठ के अगर बिल्कुल चुप है ना तो समझ लो कुछ ना कुछ चल रहा है और साइड में मोबाइल रखा होगा, वहाँ मैच चल रहा होगा, ध्यान पूरा वहीं होगा। अभी भी एकदम शांत बैठे थे, चल क्या रहा है, देखा तो मैच देख रहे हैं। पापा चलेंगे घर और मम्मी मिलने आ रही है। सत श्री अकाल। ये पापा ने वहां से शॉपिंग कर लिया ना, मार्केट मॉल गए थे, ये भी ले वो भी ले। भर भर अब मुझे नहीं पता ऊपर कहाँ से आऊँ की बात ही नहीं है। मैं जल्दी से भाई, मैं जल्दी तैयार था, आपको बस क्या करना था, एक डब्बा उठा के रखना है। चार दिन से भाई, चार दिन से पापा बोल रहे हैं गजरेला अलग रख दे, मम्मी के लिए अलग रख दे, वो अलग ही रह गया। जब तेरे पता नहीं जानल से रात के से निकाल रखे बाहर रखे से, तो मैंने तो पिन्नी गाड़ी में रखी थी, उठा के कौन लाया गाड़ी से? ये भाई मैंने तो अंदर वो तो रख दी, कंबल तो सारी ऊपर ले गया। पिन्नी कहाँ रखी थी? दोबारा बन जाएगा जो इनकी हंसी तो देखो, आना हुआ ना उसे 2-3 किलो की हमारे लिए बना। तो ये हमारी बहुत पुरानी दुकान है। अरे ये ऑटो कहाँ से आ गया? यहाँ से बहुत बिरयानी खाई है। संतोष को लग रही थी तगड़ी वाली भूख, तो मम्मी ने बोला रोटी बनाई हुई, कह रहा घर पे ही खा लेते। मतलब नहीं भाई, मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, नीचे उतरना, गाड़ी के टायर भी दिखाने, फिजिकली भी जाना है, बहुत सारे काम है, तो फटाफट से करते हैं ये बात। संतोष के मुंह में पानी आ रहा है। आ रही है भाई, तेरी भी आ रही है। ये तो मटर वाले चावल आ गए भाई, बिरयानी की जगह पुलाव है भाई। आइए भाई, मेन चीज खाने के बाद मीठा मिल जाए ना, और वो भी पट्टी, वो सोने पे सुहागा हो जाता है। लो गुरुजी, थैंक यू सर, लेकर आया। वो पीछे दुकान है ना, मैं बोल रहा हूँ पता नहीं कहाँ चले गए, वो पीछे मूफली की दुकान है, वहीं से लेकर आया। तो भाई अभी सीन ये है, एक तो हमें ये वाला टायर देखने को मिला है, ये भी लगवा सकते हैं, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है अलॉय चेंज करवाएंगे, वो वाला लगवाएंगे। हाँ सारे के सारे यहीं खुलवा देना। तो भैया को बोला अलॉय चाहिए, भैया ने पूरी गाड़ी भर के अलॉय मंगा लिया है। फाइनली हमने क्या प्लान किया है ना, अपने अलॉय चेंज करा रहे हैं। 17 इंच डले हुए थे, इसमें गाड़ी खड़पड़ करेगी, चाहे टायर भी चेंज करा दूं, हम डलवा रहे 15 इंच, गाड़ी अंदर से कंफर्टेबल चाहिए। क्यों भाई? और अलॉय और टायर चेंज करने के बाद भी मजा नहीं आया ना, उसके बाद हम क्या करेंगे आप लोगों को बताइए, हम गाड़ी चेंज कर लेंगे। गाड़ी चेंज के गाड़ी दूसरी देखो, होता क्या ना, बेचेंगे नहीं, मेरे घर वाली पार्किंग में ले जाके खड़ी कर देंगे। कहाँ रहता तो मिलता नहीं आजकल, जहाँ रहता है वहीं रहकर मिला भी मत कर।
फाइनली हमने ये वाला टायर लगाया, थोड़ा छोटा है लेकिन कम्फर्ट आएगा, आएगा ना? बिल्कुल 100% कम्फर्ट आएगा। चलो ये बढ़िया हो गया। देखो यार अभी अपने पास और कोई गाड़ी तो है ही नहीं, तो हम इसको ना थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल के हिसाब से रेडी कर रहे हैं कि लॉन्ग ट्रैवल पे जाए ना अंदर खड़पड़ ना हो, आराम से म्यूजिक सुनते हुए दूर तक निकल जाए और पीछे देखने की जरूरत ही ना पड़ेगी कहाँ आ गए। देखो भाई अपने को तो ये वाले अच्छे लग रहे थे, अब टायर थोड़े अंदर हो गए हैं, लुक के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कंफर्टेबल के साथ नहीं, लेकिन लुक ये भी बढ़िया लग रही है। चले भाई, तो अभी का सीन कुछ ऐसा है ना, हमें लगा था 4 बजे तक फ्री हो जाएंगे, 5:15 यही हो चुके। क्या टाइम हो गया भाई, टाइम बताना। 5:30 यही बज चुके हैं, हमने सोचा था 5 बजे तक हम फिजियो सेंटर पहुंच जाएंगे, अभी 6 बजे तक वहां पहुंचेंगे, डायरेक्ट वहीं जा रहे हैं, पहले सोचा था घर जाएंगे कुछ खा लेंगे पी लेंगे, लेकिन ओ भाई यू टर्न मार के वो शेक पीना था। हार्ड फैन भाई, हार्ड फैन, अभी तक तो खाली बिग फैन सुना था, अभी हार्ड हम बहुत इमोशनल हुए थे जिस दिन आपके साथ हुआ था ना। अरे यही तो प्यार है, यही प्यार है, इसी प्यार से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू। अब हो गए भाई हमारे गाड़ी के सस्पेंशन एक नंबर, मजा आ रहा है चलाने में, अब फील हो रहा होगा कोई गाड़ी चला रहे हैं, पहले बैलगाड़ी जैसे लग रहा होगा। ये बात और इनको देख लो, ये देखो मोबाइल इन्होंने साइड पे कर लिया था ताकि दिखे ना वीडियो में, अभी भी भाई मैच देख रहे हैं। आजा लो लो फिर बेबी, भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है, ये भी बाहर भाग जाता भाई, कोको की तरह। मैं कैसे करूं एक्सरसाइज, ये छोटू को देख रहे हो? तो भाई आज हो गया बहुत ज्यादा भाग दौड़, अभी तो मेरी आंखें ऐसी बंद हो रही है ना कि बस घर जाके बेड मिल जाए और मैं सो जाऊं, सुबह घर से निकलेगा। लेकिन अभी एक काम हो रहा है, जो हमारा स्टील का दरवाजा लगना था ना पिछले 5 दिन से, आज उनका फोन आ गया था, 7 बजे फोन आ गया था, अभी 8 बज रहे कि भैया हम लगाना शुरू करें, दरवाजा रेडी हो गया, हो सकता है घर जब तक पहुंचे तब तक दरवाजा लग जाए, हो सकता है काम चल रहा होगा, अगर चल रहा होगा फिर आधा एक घंटा वहां खड़ा होना पड़ेगा, डिनर करेंगे उसके बाद मस्त। आज तगड़ी गहरी वाली नींद आई गुरु जी, मस्त, जब गहरी नींद खराटे आते यहाँ होश नहीं होता, सारे घोड़े घाड़े बेच के सो रहे होते हैं, तो आज वैसी नींद आएगी। और एक दिल में वो भी है ना कि हाँ भाई हमारी H2 चली गई ठीक होने के लिए, अब जब भी उसको देखेंगे एकदम बिल्कुल नई नवेली बन के आएगी और फिर से हम डिलीवरी लेंगे उसे। छोटा सा आपका वीडियो बनाऊंगा उस ब्लॉग में डालना, जो कराटे मारने के बाद ऐसे कौन से कराटे नहीं लेते आप, और कार है तो मिलते नहीं आजकल। घर पहुंच चुके, आप देखेंगे हमारा दरवाजा, ओ भाई बहुत मचा दिया, साफ करके जाएंगे। दरवाजा तो सही लग रहा है, जो पिछले 7 दिन से कह रहे थे आज लगा देंगे, आज लगा देंगे, आज लग गया है। तो अभी लॉक वगैरह सेट हो रहे हैं, और कितनी देर लगेगी भैया, आधा घंटा, 15-20 मिनट तुमने कहे तो अभी 3 घंटे और लगेंगे, मतलब क्यों इनके, वो देखो उबासी, आज सब नींद में है भाई, सब नींद में है यार। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आज का दिन बहुत लंबा था, बहुत सारे काम निपटाए, होप करते हैं आपको आज की वीडियो मजा आया होगा। दरवाजा लग चुका है, एक दो काम छोटे मोटे बचे हुए वो सुबह के करेंगे, रात के 9:30 हो चुके, अभी सोने की तैयारी है, नहीं डिनर करने की तैयारी, उसके बाद सोने की तैयारी है। होप करते हैं आपको मजा आया होगा, यहाँ तक वीडियो देख लिया, लाइक करें ना बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा नीचे लाल सा लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर कोनी मारो, मुक्का मारो, कुछ मारो, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मिलता है किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।